पल पल छोटी बड़ी खबरों के साथ आपको बताते चले कि गत दिनों 25 दिसंबर को रेवसा स्थानीय कस्बा में जो है एक तेजाब एसिड डालने का प्रकरण संज्ञान में आया था। दो दुकानदारों में जो है बेंच पर बैठने को लेकर विवाद उपजा था, जिससे एक ज्वेलर्स दुकानदार ने आवेश में आकर एक किराना व्यापारी पर जो है एसिड अपनी दुकान का रखा हुआ डाल दिया, जिससे कि किराना व्यापारी की दुकान पर एक अन्य उसका दोस्त राजा और किराना व्यापारी चमन पुत्र रमेश पौरवाल, राजा पुत्र मेवा टेंट हाउस, ये दोनों गंभीर रूप से झुलस गए थे। झुलसने के बाद आनंद फानंद में स्थानीय कस्बा के प्रत्यक्ष दर्शियों द्वारा ग्रामीणों की मदद से परिजनों द्वारा इनको रेवसा सेची में भर्ती कराया गया था, जहां से तत्काल रेफर कर दिया गया था लखनऊ, और जहां और अभियुक्त के खिलाफ जो है परिजनों द्वारा पीड़ित परिजनों के द्वारा जो है सख्त कार्रवाई करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया था। तत्कालीन रहे पुलिस स्थानीय पुलिस द्वारा जो है उचित कार्रवाई कर गिरफ्तारी कर ली गई। नवांगत एसओ द्वारा आज उसकी गिरफ्तारी कर अभियुक्त को संबंधित धाराओं में जेल भेजने की कार्रवाई की गई। वहीं जब स्थानीय नवांगत एसओ विनोद मिश्र से बात की गई तो उन्होंने बताया कि तेजाब डालना एक संगीन धारा के अंतर्गत आता है और अपराध है। उसी के धारा में जो है संबंधित धाराओं में आज सुबह स्थानीय कस्बा करीब 1 जनवरी 2019 को स्थानीय कस्बा से बमनेवा निवासी रतन पुत्र दिनेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेजने की कार्रवाई की गई। वहीं जब उनके परिजनों से पीड़ित झुलसे छात्रों के परिजनों से बात की गई पिता से, तो दोनों पुलिस की इस कार्रवाई से संतुष्ट नज़र आए और कहा हम संतुष्ट हैं, पुलिस ने अच्छी कार्रवाई की है इसके लिए उन्होंने। लेकिन चमन के पिता ने जो है जो जांच सौंपी गई है स्थानीय किसी एसआई को, जिसको नाम बताने से दुबके और बार बार ये कहते रहे कि जो है जांच जिसको सौंपी गई है विवेचना, उससे हम संतुष्ट नहीं है, और शंका व्यक्त करते हुए कहा कि वो जो जांच दुकान में करने आए वो अच्छी सही तरीके से नहीं की, और हमें शंका है कि जांच में बार बार शंका व्यक्त करते रहे और सही जांच विवेचना करने की गुहार लगाई। आप लोग वीडियो के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं और पूरा वीडियो आप देखें, और पसंद आए तो कमेंट और शेयर ज़रूर करें, लोगों तक पहुंचाएं। देखते हैं यहाँ के मेवा जी हैं, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे, क्योंकि तेजाब का प्रकरण बहुत भीषण आया था, क्योंकि यहाँ पे सरकार ने कड़े कानून नियम लगा रखे हैं और उस पर पुलिस ने आज कार्रवाई कर दी है। अखबार की सुर्खियों से लेकर और जो है चैनल के माध्यम से छाया रहा कस्बापुरा, और जो शुभचिंतक थे इस घटना से आहत थे और पुलिस ने आज उस पर कार्रवाई की, उसको जेल भेजा है। लेकिन हम बात करते हैं उनके जो परिजन हैं राजा के मेवा कि उस कार्रवाई से संतुष्ट हैं क्या हैं। मेवा जी ये बताइए, जो अभी तक आप कह रहे थे कि कार्रवाई नहीं की, पुलिस ने गिरफ्तारी की लेकिन आज उसको जेल भेजा गया, क्या इस कार्रवाई से आप पुलिस के संतुष्ट हैं? पुलिस की बिल्कुल, हम पुलिस से बिल्कुल संतुष्ट हैं। अच्छा, उसमें कौन कौन सी धाराएं जो लगाई है ये जानकारी आपको है? सब हमको जानकारी नहीं है। हाँ। ये है कि हम पुलिस से संतुष्ट हैं, पुलिस ने हमारा सबसे सुंदर काम किया है। सुंदर काम किया है। ये मेवा जी हैं, इनका ये वक्तव्य रहा कि इन्होंने बताया कि हम पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं, लेकिन ये शायद ये नहीं बता पाए कि कौन सी संबंधित धाराओं में किया गया, लेकिन ये पूर्णतः उम्मीद है कि जो संबंधित धाराएं थी उसी में उसका चालान किया गया है। अभी आपने देखा कि अभी हमने मेवा से बात की और उन इस कार्रवाई के बारे में, जो आज उसका रतन रस्तोगी का चालान गया है पुलिस ने, नवांगत एसओ ने जो है चालान आते आते कर दिया सख्त कानून धारा के अंतर्गत, और हम बात करेंगे अब जो चमन हैं, चमन के पिताजी रमेश
अब उनसे हम बात करेंगे कि इस जो कार्रवाई पुलिस ने किया है नवांगत एसओ ने, उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं है, क्या है आप बताएं? जो ठीक है, संतुष्ट हैं, हमारी बात ठीक होगा। जैसे उन्होंने बताया कि हम चालान करेंगे तत्काल ही, उन्होंने कार्रवाई की है। अच्छा, कौन कौन से धाराओं में चालान किया है? धारा 326 ए लगाई गई है। अब इसके बारे में हमको तो पता नहीं इसमें क्या सजा हमको मिल सकती है, और हम तो यही अदालत में आस्था रखते हैं कि वही कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उसने ऐसा अपराध किया है जिससे समाज में दूसरी घटना न होने पाए। और विशेष तौर से हमको कहना है कि जो विवेचना के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, कोई एसआई महोदय, वो नाम मालूम है, वो हमारी दुकान तक आए लेकिन दुकान खुलवा के उन्होंने विधिवत जांच नहीं की, ना हमसे कोई बयान लिया है। कौन एसआई थे? और उनका नाम मैं नहीं मालूम, भाई भाई यार में उनका नाम दर्ज है, कोई धीमन आगे लगा हुआ है नाम। अच्छा, के आगे धीमान, हाँ, मतलब हमको पूरा नाम नहीं पता है, इसको याद नहीं है, हमारे उसमें कामी पे लिखे होंगे, लेकिन वो आए हैं। आज हम मुलाकात नहीं लिया गए थे इसी विषय में कि भाई विवेचना आपने किया है तो हमको बताया जाए, विवेचना में क्या दिखाया आपने, हकीकत क्या है। हम तो विशेष तौर से उनसे यही प्रार्थना या निवेदन करते हैं कि जो सच्चाई है वही उसमें अंकित करें, और गलत कोई मतलब असत्य शब्द उसमें न प्रयोग किया जाए। इनके कथनानुसार आलोक धीमान को जो है जाँच विवेचना मिली है, तो क्या आप जो विवेचना जिनको मिली है उन पर आप विश्वास नहीं करते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल विश्वास करते हैं। नहीं, अभी आपने कहा कि जो है वो बढ़िया सी विवेचना नहीं की, जांच नहीं की। हाँ, मतलब अभी तो नहीं आए हैं, हमने दीवान जी से बात की तो उन्होंने कहा कि अभी जांच चल रही है, प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, वो आएंगे तुम्हारा बयान दर्ज करेंगे और मौके पर देखेंगे भी, तो अगर कोई दिक्कत होती है तो हमसे आकर बताइए, हम आपका सहयोग करेंगे। अच्छा अच्छा, दीवान जी ने सही बात बताई है, हमसे संतुष्ट है, कोई बात नहीं। अच्छा, दीवान ने आपको संतुष्ट किया इस बात से जब आपने बताई विवेचना के बारे में? मैं यशो साहब ने भी समर्थन किया है कि कोई दिक्कत हो हमको बताइए अगर के तुरंत, ऐसी कोई बात नहीं है। अब विश्वास रखते हैं कि जो हमारे जांच अधिकारी महोदय हैं वो सही जांच करेंगे, और विशेष तौर से निवेदन भी है कि जो सही सत्य जो बात है वही वो अपना अंकित करें, कोई इसके अलावा। अच्छा, अभी तक आप एक चर्चा कर रहे थे कि दूसरा नाम सम्मिलित है, क्या उसके बारे में भी कुछ कहेंगे? उसको आपने कहना तो था ये जरूर कि वो लड़का, उसका भाई रतन का जो बड़ा भाई था, वो घटना के टाइम जो दुकान के अंदर ही मौजूद था, अगर वो चाहता तो घटना रोकी जा सकती थी संभवतः, क्योंकि वो बड़ा भाई था और बोतल पकड़ भी सकता था, क्योंकि दोनों बच्चों पे एसिड डालना मतलब तो एक ऐसा तो है नहीं। तो उसके बारे में कोई कार्रवाई तो आपने नहीं? नहीं, हमने तो सोचा है कि एप्लीकेशन दिया जाए, अगर उसमें हमारी रिपोर्ट बढ़ाई जाती है रिपोर्ट में, तो हम जरूर कहेंगे उसके बारे में कि भाई वो मौजूद था, अपराधी तो नहीं है मतलब, कह सकते हैं, लेकिन वो इस वक्त घटना के टाइम मौजूद था, और घटना जो करने वाले के बच्चे का बड़ा भाई है वो, इसलिए उसका कर्तव्य बनता था, और हमको उम्मीद थी कि अगर वो चाहता तो घटना न होती। नहीं तो क्या उसको भी लपेटना चाहते हैं? नहीं, ऐसी कोई हमारा कोई इरादा नहीं, लेकिन ये हम इतना जरूर बताना चाहते कि मौके पर मौजूद था, उसका बड़ा भाई था, वो तो अलग बात हो गई, वो रोक सकता था। जैसे जिसने घटना को अंजाम दिया उसको तो सजा मिल गई, उसको सजा, हम जो उसका बड़ा भाई उसको सजा हम नहीं बता रहे हैं कि सजा मिलनी चाहिए, सजा कतई नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन ये है कि उसने ये थोड़ा इतना तो गलत जरूर किया है, उसका कर्तव्य बनता था, वो कर्तव्य उसने नहीं किया। तो अब उसके बारे में क्या उसको भी सजा दिलाने के लिए आप प्रयासरत हैं क्या? नहीं नहीं, हम जानकारी में देना चाहते हैं कि उसका बड़ा भाई मौजूद था, बाकी हम इस प्रयास में नहीं हैं उसके बड़े भाई को सजा मिले। ठीक, धन्यवाद। रमेश नाम है आपका? जी, हमारा रमेश नाम है। मतलब इस कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? हाँ, हाँ। और पुलिस ने आपकी भरसक जो है मदद की? मदद की है, विवेचना पे है, यही हमारा है कि विवेचना में सत्य लिखा जाए, यही हम उम्मीद। आप लोग देख सकते हैं कि विवेचना जिनको मिली है उन पे भरोसा इनको नहीं है, ये क्लियर बात है, इनसे स्पष्ट शब्दों में जो नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन इनको ये शंका है कि विवेचना जिनको मिली है एसआई को, उन पे इनको भरोसा नहीं है, क्योंकि विवेचना में गड़बड़ हो सकता है, इस वजह से इनको ये जो है बार बार इनको कुंठित कर रहा है। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें।